नमस्कार, सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे हो ना? तो आज हम अक्षर ओ से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। तो ये कौन सा अक्षर है? ये है अक्षर ओ। ओ से ओखली। ओ से क्या होता है? ओ से ओखली। और ये है अक्षर ओ। तो पहले हम आ से लेकर ओ तक के अक्षरों को पढ़ेंगे एंड आपको पहचान करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे। ये कौन सा अक्षर है? ये है छोटा से अनार। छोटा से अनार। एंड फिर छोटा के बाद कौन सा अक्षर आता है? छोटा के बाद तो बड़ा से आम। ये कौन सा अक्षर है? बड़ा से आम। इसमें वन स्टैंडिंग लाइन होती है एंड इसमें टू स्टैंडिंग लाइन होती है। बड़ा से आम। फिर बड़ा के बाद क्या आता है? बड़ा के बाद छोटी से इमली। छोटी से इमली। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली। एंड ये है बड़ी से ईक। बड़ी से ईक। फिर बड़ी के बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ी के बाद छोटा उसे उल्लू। छोटा उसे उल्लू। और बड़ा उसे ऊन। बड़ा उसे ऊन। फिर बड़ा उसे ऊ के बाद कौन आता है? बड़ा उसे ऊन। फिर ये है री से ऋषि। री से ऋषि। फिर री ऋषि के बाद कौन आता है? ये है ए से एड़ी। एड़ी के बाद कौन आता है? ऐसे एनक। एड़ी के बाद कौन आता है? ऐसे एनक। एंड एनक के बाद कौन आता है? एनक के बाद आता है ओ से ओखली। ये है ओ से ओखली, टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन ऊपर से मात्रा। और ओखली के बाद क्या आता है? ओखली के बाद आता है औ से औरत। औ से औरत। एंड औ से औरत के बाद कौन सा अक्षर आता है? अंग से अंगूर। इस पे एक बिंदी होती है, अंग से अंगूर। और फिर आहा से कुछ नहीं। आहा से कुछ नहीं। तो आज हम ओ से ओखली को बनाना सीखेंगे और उसकी एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है? ये है ए फोर साइज पेपर एंड अभी हम इसमें ओ से ओखली को बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? अच्छा, जैसे आप छोटा से अनार और बड़ा से आम बनाते हो ना, उसी टाइप से ओ से ओखली बनता है। तो पहले क्या करते हैं? वन स्लीपिंग लाइन, फिर वन लेफ्ट ओपन कर एंड सेकंड लेफ्ट ओपन कर। फिर क्या करते हैं? फिर इसके सेंटर में वन स्लीपिंग लाइन, फिर वन स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन। और ओखली में कितनी मात्रा होती है? ओखली में तो वन मात्रा होती है, तो ये वन मात्रा लगा दी। तो ये कौन बन गया? ओ से ओखली। ओ से ओखली। एंड अभी हम इसमें फिंगर इंप्रेशन करेंगे, ठीक है? तो ये मैम के पास है ऑरेंज कलर। विच कलर इज दिस? ये तो है ऑरेंज कलर। तो अभी आपको ऐसे अपनी फिंगर को डिप करना है इसमें और फिर इस टाइप से पहले क्या बनाते हैं? पहले स्लीपिंग लाइन बनाते हैं ना। तो पहले स्लीपिंग लाइन पे ऐसे इंप्रेशन देना है। ये स्लीपिंग लाइन बना ली, फिर कर्व बनाते हैं ना ये इस टाइप से। वाओ, ये वन कर्व और ये सेकंड कर्व। अभी फिर क्या बनाया था? फिर स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन, फिर वन स्टैंडिंग लाइन, ये वन स्टैंडिंग लाइन, फिर सेकंड स्टैंडिंग लाइन एंड फिर ये है वन मात्रा। वाओ, ये कौन सा अक्षर है? ये है ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओ से क्या होता है? ओ से ओखली होती है ना। एंड ओखली ये बन गई ओ से ओखली। ओ से ओखली। तो इसी तरह से आपको भी ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है किड्स? बाय।